मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जिक्सो के ट्रैप में फंसा हुआ था। वो एक किलर था जिसे सिर्फ 5 साल की ही सजा हुई थी। अब जाहिर है कि जस्टिस नहीं हुआ तो यहाँ पर जिक्सो अपना जस्टिस करना चाहता था। उसे एक टेबल पर मजबूती से बांधा गया था और उसके ऊपर एक काफी बड़ा ब्लेड सेटअप किया गया था। वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा और उसे कट करता जाएगा, और अगर वो इस ट्रैप से बचना चाहता है तो उसे अपने दोनों हाथों को क्रश करना होगा। और जब वो अपने दोनों हाथों को क्रश कर लेगा तब वो इस ट्रैप से आजाद भी हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए उसके पास 60 सेकंड्स है। उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। वो काफी डर जाता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने दोनों हाथों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्लेड नहीं रुकता और उसे काटने लगता है। वो ब्लेड उसे काटता रहता है और देखते ही देखते उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर छुपकर कोई ये सब कुछ देख रहा होता है। अब क्योंकि इस ट्रैप ने जिक्सो के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो जाहिर है कि ये ट्रैप जिक्सो का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये किसी और का ही ट्रैप था। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट के लास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव पीटर उस नर्स के हस्बैंड को मार डालता है और होफमैन उसे वहीं पर बंद करके वहाँ से चला जाता है। तब पीटर काफी वरिड हो जाता है कि वो कहाँ पर फंस गया है और उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। और जब वो उस डोर को ओपन करता है तब उसके पीछे उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो उसे प्ले करता है, जिस पर जिक्सो ही बोल रहा था। जिक्सो उसे वार्निंग देते हुए आगे जाने से मना करता है, लेकिन वो जिक्सो की वार्निंग को इग्नोर करके उसे सीक्रेट रास्ते से आगे बढ़ता है। आगे उसे एक पिग मास्क पहना पर्सन मिलता है जो कि उसे बेहोश कर देता है और उसकी आंख एक ग्लास बॉक्स में खुलती है और वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। उस ग्लास बॉक्स में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरने लगता है और देखते ही देखते वो पानी से भर जाता है। यहाँ पर पीटर को कन्फर्म हो जाता है कि अब उसकी मौत आ चुकी है। ये उसके लिए जिक्सो की तरफ से एक पनिशमेंट थी क्योंकि उसने जिक्सो की वार्निंग को इग्नोर किया था। पीटर समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और इसीलिए वो एक पेन को अपने गले में घुसा लेता है और तब जाकर वो सुकून का सांस लेता है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और होफमैन उस नर्स की बेटी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उस बच्ची को जिक्सो ने कहीं पर छुपा दिया था और सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद जिक्सो ने उसे मार डाला, लेकिन जिक्सो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पर होफमैन दिखावा कर रहा था कि उसने जिक्सो के ट्रैप से अपने साथ साथ एक बच्ची को भी बचा लिया है। वो बताता है कि उन दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन उसकी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है जब वो देखता है कि पुलिस वालों ने पीटर को सेव कर लिया है। पीटर को जिंदा देखकर होफमैन काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद जिक्सो के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है, जिसके लिए होफमैन को प्रमोट भी किया जाता है। लॉयर जिक्सो की वाइफ को उसकी आखिरी निशानी देता है जो कि एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में क्या था ये हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन जो भी था वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसे देखकर जिक्सो की वाइफ चौंक जाती है। होफमैन को अपने ऑफिस में एक एनवेलप मिलता है। जब वो उसे ओपन करता है तब उस पर लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। उस मैसेज को पढ़कर होफमैन परेशान हो जाता है। होफमैन सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पर सारे प्रूफ रखे हुए थे और वो वहाँ से पीटर के मोबाइल को चुरा लेता है। फिर होफमैन हॉस्पिटल जाता है और तब उसे पता चलता है कि एक फीमेल डिटेक्टिव मर गई है, क्योंकि पिछले पार्ट में बिली का फेस ब्लास्ट हो गया था और उसके टुकड़े उस डिटेक्टिव के फेस में घुस गए थे, जिससे वो जिंदा नहीं बच पाई और मर गई। पीटर गुस्सा होते हुए होफमैन को बताता है कि उसने मरने से पहले होफमैन का नाम लिया था और वो उससे इस बात का आंसर मांगता है, क्योंकि पीटर को होफमैन पर पूरा शक था कि आखिर कोई कैसे जिक्सो के ट्रैप से जिंदा बचकर वापस आ गया हो और उसे कोई चोट भी ना आई हो, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल था। होफमैन उसे किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। होफमैन के वहाँ से जाते ही पीटर का सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आता है। वो सीनियर ऑफिसर पीटर को इस केस से हटा देता है क्योंकि वो उसे मेडिकल लीव दे देता है, और वो पीटर को ये भी बताता है कि पुलिस ने तो जिक्सो के केस को बंद कर दिया है, लेकिन FBI में अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। होफमैन एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर उसने एक गेम को सेटअप किया था। अब क्योंकि उसने जिक्सो की सीट ले ली थी तो इसीलिए वो उसके प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। उस गेम की मॉडल को दिखाते हुए गेम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें 5 लोग थे। उनके गलों को चेंज किया गया था जो कि एक केबल से कनेक्टेड थे। उनके लॉक की चाबी उनके सामने शीशे के बॉक्स में पड़ी हुई थी, लेकिन जो भी की लेने के लिए आगे बढ़ेगा तब उन सबका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और खुद को उस ट्रैप से आजाद करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स हैं। अगर दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने लॉक नहीं खोले तो वो वायर्स पुल होंगी और पीछे लगी ब्लेड्स में फंसकर उनकी गर्दन कट जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें एक से ज्यादा टेस्ट सरवाइव करने होंगे और उन्हें कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं जो कि उन्होंने फॉलो करनी थी। आज वो 5 लोग एक हो जाएंगे और उन्हें एडवाइस की जाती है कि उन्होंने अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट काम करना है, तभी वो बच पाएंगे। और आज वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उससे बचने के लिए
वो वहां पर बैठ कर भी खुद को सेव कर सकती थी, लेकिन वहां पर टाइमर बॉम्ब लगी हुई थी और अगर वो टाइम पूरा होने से पहले उस रूम से नहीं गई तो वो सब के सभी मारे जाएंगे। ये सुनकर उनमें से एक लड़का काफी घबरा जाता है और वो सीधा अपनी की तरफ भागता है और अब उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर उन्हें अपनी पावर इस्तेमाल करनी थी और उनमें से सबसे ज्यादा पावर एक आदमी था जो सबसे पहले अपनी चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद तीन सर्वाइवर एक एक करके अपनी चाबी को निकाल लेते हैं और टाइम पूरा होने से पहले आजाद हो जाते हैं, लेकिन उस लड़के की जल्दबाजी की वजह से उसके साथ वाली लड़की खुद को आजाद नहीं कर पाती और वो मारी जाती है। नेक्स्ट रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से एक लड़की समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वो सारी केस उठा लेती है। फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि लीव पर था, लेकिन फिर भी वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि वो हॉफमैन की रियलिटी को दुनिया के सामने लाना चाहता था। जिस फाइल को वो चेक कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो उसकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली थी। उसमें जिक्सो के विक्टिम की एक काफी लंबी लिस्ट थी। उस फाइल में पीटर देखता है कि जिक्सो का तीसरा विक्टिम वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। इस फाइल को देखकर पीटर समझ जाता है कि हॉफमैन काफी अरसे से ही जिक्सो के साथ था। ये सब फाइल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी, इसलिए वो सारे जिक्सो फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता और वो जिक्सो के तीसरे विक्टिम यानी उसी आदमी के बारे में सर्च करता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में मरते हुए देखा था। उस आदमी ने एक लड़की को मारा था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन की सिस्टर थी। यहाँ पर सारी बात खुल चुकी थी कि उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि हॉफमैन ने ही मारा था, तभी उसके लिए बचने का कोई चांस नहीं था। यहाँ पर सारी बातें पीटर को अच्छे से समझ आ जाती है। हॉफमैन के विक्टिम्स दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं और उस रूम में भी टाइम बॉम्ब लगे हुए थे। उनसे बचने के लिए वहाँ पर चार चेम्बर्स थे जो लॉक्ड थे और उनकी चाबी ऊपर लगे बीकर्स में थी, लेकिन यहाँ पर मुसीबत की बात ये थी कि उन चार में से तीन चेम्बर्स की चाबियाँ ही वहाँ पर थी। टाइम पूरा होने से पहले उन्हें चेम्बर्स की चाबी लेकर उसके अंदर चले जाना है वरना वो ब्लास्ट में मारे जाएंगे। यहाँ पर भी वो आदमी अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन इससे पहले वो उस सेल्फिश लड़के को मारता है क्योंकि वो जरूरी नहीं समझता था कि वो सर्वाइव करे क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। उसे लगता था कि वो दोनों लड़कियाँ ही डिजर्व करती हैं कि वो सर्वाइव करे। वो सारे बीकर्स को तोड़ देता है और वो दोनों लड़कियाँ अपने अपने हिस्से की केस को उठा लेती है। वो आदमी अपने हिस्से की की लेकर चेम्बर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी एक लड़की पीछे से उस पर अटैक कर देती है और वो दूसरा लड़का उसके हिस्से की चाबी लेकर उस चेम्बर में जल्दी से घुस जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। पीटर को ये भी पता चल जाता है कि उस आदमी की डेथ के बाद ही हॉफमैन ने जिक्सो का हर एक केस में साथ दिया। अब क्योंकि हॉफमैन ने जिक्सो की कॉपी करने की कोशिश की तो जिक्सो ने उसे भी पकड़ लिया, लेकिन जिक्सो ने हॉफमैन को एक आसान ट्रैप में फंसाया था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जिक्सो की कॉपी की है तो वो उसके काम से इम्प्रेस हुआ है। लेकिन जिक्सो चाहता था कि अगर कोई उसे कॉपी करे तो उसके रूल्स को भी फॉलो करे। जिक्सो हॉफमैन को काफी कुछ समझाता है, उसे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताता है जो कि उसका अपना तरीका था। अपने बाकी विक्टिम्स की तरह जिक्सो हॉफमैन को भी एक चांस देता है और वो चांस होता है जिक्सो के साथ काम करने का, और फाइनली वो जिक्सो के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। इस मीटिंग के बाद हॉफमैन ने हर एक ट्रैप में जिक्सो का साथ दिया और यही वजह है कि जिक्सो इतने सारे लोगों को पकड़ने में कामयाब हुआ। हॉफमैन अभी तक जिक्सो का साथ दे रहा था, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर को इस बात का यकीन दिला रहा था कि पीटर ही जिक्सो का साथी है जो कि जिक्सो के काम को आगे बढ़ाएगा। उस सीनियर ऑफिसर के लिए इस बात पर बिलीव करना कोई मुश्किल बात नहीं थी क्योंकि पीटर सारी जिक्सो फाइल लेकर वहाँ से गायब था। हॉफमैन के विक्टिम्स अपने तीसरे लेवल तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी टाइम बॉम्ब्स थे और बीच में एक बाथटब भी पड़ा हुआ था। नेक्स्ट रूम के डोर पर पांच लॉक लगे हुए थे और उन्हें खोलने के लिए उन्हें पांच इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑफ करना था और उन्हें क्लोज करने के लिए उनके वायर्स को बाथटब से कनेक्टेड करना था। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उनमें से एक उस बाथ तब में लेटेगा और वो सारे वायर्स को उसे कनेक्ट करके उस रूम का लॉक ओपन कर लेंगे। अब जाहिर है जो बाथ टब में लेटेगा इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत तो कंफर्म थी और कोई भी अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करने के लिए एग्री नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनमें से एक लड़की हिम्मत दिखाती है, वो एक दूसरी लड़की को स्टैब करती है और वो मिलकर उसे बाथ टब में लिटा देते हैं और बाद में सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स को उससे कनेक्ट कर देते हैं और टाइम से पहले ही वो उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो लड़की बाथ टब में लेटी थी उसकी मौत हो जाती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जिक्सो की वाइफ उस सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और वो कहती है कि पीटर उसका पीछा कर रहा है। अब जाहिर है कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होती है ये पता नहीं चलता और उस सीनियर ऑफिसर का शक और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि पीटर ही जिक्सो का साथी है। पीटर अभी भी जिक्सो के क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जो गेम अभी चल रही है उसके पांचों विक्टिम्स की पिक्चर्स
पहले ही जिक्सो ने हॉफमैन को दे दी थी जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। पीटर का बचना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसे उस ट्रैप में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन ही था, लेकिन फिर भी पीटर किसी तरह बच गए। हॉफमैन का प्लान था कि जिक्सो की गेम से सिर्फ वही जिंदा बचकर वापस आए और अपने साथ वो उस बच्ची को भी बचा लेगा ताकि वो दुनिया की नजर में अच्छा साबित हो सके। हॉफमैन उस सीनियर ऑफिसर को भड़काना चाहता था कि आखिर पीटर ही जिक्सो का साथी है और इसीलिए वो उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था और वो अपने प्लान में कामयाब होता भी जा रहा था। वो पीटर के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगा देता है और यहाँ पर हमें पता होता है कि पीटर का मोबाइल तो हॉफमैन के पास था जो कि ऑफ था। हॉफमैन उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसने सारी गेम को सेटअप किया था और वो पीटर का मोबाइल ऑन करके वहाँ पर रख देता है। हॉफमैन के दोनों विक्टिम अपनी लास्ट स्टेज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक काफी बड़ी डिवाइस थी जिसके अंदर एक बीकर पड़ा हुआ था। वो लोग समझ जाते हैं कि बीकर को भरने के बाद ही वहाँ से बाहर जाने का डोर ओपन होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस बीकर को भरना किस चीज से है। उस डिवाइस के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लेड्स भी लगे हुए थे, यानी साफ जाहिर था कि उन्हें उस बीकर को अपने खून से भरना था। यहाँ पर भी वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते थे, यानी 1% अपना सारा खून निकाल कर उस बीकर को भर दे और दूसरा जिंदा बचकर वहाँ से चला जाए। लेकिन गौर करने पर उन्हें पता चलता है कि उस डिवाइस में 5 होल थे, यानी 5 लोगों की जगह थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों, असल में उन्होंने यहाँ पर 5 लोगों नहीं होना था। वो फीमेल सर्वाइवर देखती है कि जो चाबियाँ वो अपने साथ लाई है वो सब सेम है, यानी एक चाबी से उन सबके लॉक खुल सकते थे और दूसरी स्टेज पर अगर उनके पास 3 चाबियां थी तो एक चेंबर में 2 लोग भी आ सकते थे, यानी दूसरी स्टेज में भी 5 लोग बच सकते थे। और तीसरे लेवल में उन्होंने 5 कोर कनेक्ट करने थे, यानी 5 अगर एक एक भी पकड़ते तो वो थोड़ा सा करंट बर्दाश्त कर लेते और उसे बाथटब के साथ जोड़ देते और वो 5 ही वहाँ से निकल कर जिंदा बचकर वापिस आ सकते थे। और इस स्टेज पर आकर वो सब अपना अपना खून निकालते और वो बीकर भर जाता और वो 5 वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन अब उन दोनों ने ही उस बीकर को अपने खून से भरना था जो कि काफी मुश्किल भी था। पीटर का मोबाइल ट्रेस कर लिया जाता है और सीनियर ऑफिसर उसकी लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। पीटर हॉफमैन का पीछा कर रहा होता है और वो उसका पीछा करते करते उसी घर में चला जाता है जिसे हमने पार्ट 2 में भी देखा था। पीटर एक सीक्रेट डोर से नीचे आता है, दूसरी तरफ वो दोनों टाइम वेस्ट किए बगैर उस स्पीकर को अपने खून से भरने लगते हैं। यहाँ पर उन 5 ने मिलकर ये करना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो दोनों ही मिलकर अब काम कर रहे हैं। टाइम पूरा होने से पहले ही वो उस स्पीकर को भर देते हैं। सीनियर ऑफिसर भी उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर हॉफमैन ने ये सारी गेम कंडक्ट की थी और वहीं पर वो पीटर का मोबाइल देखता है और यहाँ पर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि पीटर ही जिक्सो का अगला साथी है। लेकिन वहीं पर उस सीनियर ऑफिसर को वो दोनों सर्वाइवर्स भी मिल जाते हैं जो कि इस गेम का हिस्सा थे और वो अपनी फाइनल स्टेज को पार करके बाहर आ जाते हैं। पीटर एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक ट्रैप मिलता है जो कि कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था। पीटर उसमें रखे गए टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है और जब वो टेप को सुन रहा होता है तभी वहाँ पर खुद हॉफमैन भी पहुँच जाता है। उन दोनों में फाइट होती है और पीटर हॉफमैन को ही उस बॉक्स में बंद कर देता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसने हॉफमैन को पकड़ लिया है, लेकिन वो गलत था क्योंकि तभी वो बॉक्स फ्लोर में फिट होने लगता है और उस रूम की दीवारें आगे आने लगती है, यानी पीटर वहाँ पर क्रश होकर मरने वाला है। यहाँ पर भी पीटर ने हॉफमैन की बात को इग्नोर कर दिया जैसे उसने पहले किया था कि उसे इस बॉक्स में जाना है जिससे वो जान से नहीं मरेगा बल्कि सिर्फ उसे थोड़ी सी चोटें आएंगी। लेकिन पहले की तरह किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया और इस बार वो सच में ही मारा जाता है और दूसरी तरफ उसे जिक्सो का साथी भी कंसिडर कर दिया जाता है, लेकिन जिक्सो का असली साथी अभी भी जिंदा बच गया और इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।